हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल को स्टडी आज इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ़ नंबर वन द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड नंबर टू द मास बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड नंबर थ्री द मासज ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड सो इस क्वेश्चन में हमें एक दो फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यूज में कुछ चेंजेस कर दिए हैं और हमें बताना है कि जो नॉर्मल या ओल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स होगी और न्यू ग्रेविटेशनल फ़ोर्स होगी हर पार्ट में उसमें डिफरेंस क्या होगा सो so, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सो so, सबसे पहले हमें यहाँ पे ग्रेविटेशनल फ़ोर्स का फॉर्मूला लिखना होगा जो है जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर यहाँ पे कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट कैपिटल एम है मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट स्मॉल एम के मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट और डी स्क्वायर है उनके डिस्टेंस का स्क्वायर अब हमें इनमें से ही इन पार्ट्स में देख के तो वैल्यूज डी ओ में चेंजेस करने को तो और तो फिर निकालना है कि इस फोर्स में और तो नई फोर्स बनेगी उसमें डिफरेंस क्या होगा सो so आइए हम आते हैं पार्ट वन पे सो पार्ट वन में हमसे कहा गया है कि द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज़ डबल्ड यानी हम इन दोनों में से किसी भी मास को डबल कर लेंगे तो मैंने यहाँ पे कैपिटल एम को ले लिया है टू एम अब हमें इसका निकालना है एफ डैश इज़ इक्वल टू जी टू एम यहाँ पर टू एम की वैल्यू हम डालेंगे इन टू एम अपॉन डी स्क्वायर अब आपको क्या करना है अब आप आपको टू को यहाँ बाहर ले आना है सो एफ डैश इज इक्वल टू टू यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर अब जी एम इंटू अपॉन डी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है एफ का एफ इक्वल टू जी एम अपॉन एम इन टू एम अपॉन डी स्क्वायर इसमें भी जी एम इंटू एम अपन डी स्क्वायर डेयर फोर एफ़ डैश इज इक्वल टू टू एफ सो ये है हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर so, अब आते हैं हम अपने सेकेंड पार्ट पर यानी जो एफ़ डैश न्यू फोर्स होगी इस केस में फर्स्ट में वो होगी टू टाइम्स द ओल्ड फोर्स सो अब हम आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे सेकेंड पार्ट में हमें डिस्टेंस को चेंज करके दो स्नारियों दिया है. एक डिस्टेंस को डबल कर दिया यानी टू डी ट्रिपल कर दी यानी थ्री डी डबल मतलब दो से मल्टीप्लाई कर दिया ट्रिपल मतलब तीन से मल्टीप्लाई कर दिया सो so, आइए हम निकालते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे एफ इसको हम लिख लेते हैं एफ वन एफ वन लिख लेंगे इसका एफ टू लिख लेंगे इसका सो एफ वन इज इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन टू डी होल स्क्वायर यहाँ पे पूरी टू डी में ब्रैकेट आएगा फिर एफ वन इज इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन टू टू जा फोर और डी स्क्वायर का डी स्क्वायर ही होगा सो फोर डी स्क्वायर अब कुछ नहीं करना है आपको बस इसको सेपरेट कर देना है एफ वन इज़ इक्वल टू यहाँ पर फोर आ जाएगा वन अपॉन फोर इंटू इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए जी एम इंटू एम स्मोल एम अपॉन डी स्क्वायर सो so, हम ये देखिए हमने जो एफ फोर है उसको हमने ले लिया बाहर वन अपॉइंट फोर आ जाएगा अगर आप वन अपॉइंट फोर को मल्टीप्लाई करेंगे जी एम इन एम वन डी स्क्वायर से तो यही वैल्यू आएगी जी एम इंटू एम पॉइंट फोर डी स्क्वायर ठीक है पे वन आ जाएगा ऊपर वन की ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगी मल्टीप्लाई करने के बाद और फोर नीचे और ये किसकी वैल्यू Gm into m1 d2, है जी एम इंटू एम पॉइंट डी स्क्वायर ये हमारी फोर्स की वैल्यू सो एफ वन इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ अपॉन फोर और एफ अपॉन फोर कैसे आया हमारा तो पे वन अपॉन फोर है सो वन अपॉन फोर को अगर हम फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा एफ अपॉन फोर सो एफ वन इज़ इक्वल टू एफ अपॉन फोर ये है मेरे आंसर अब आते हैं इसके थ्री डी वाले पार्ट पे अब हम लिखते हैं थ्री डी के लिए यहाँ पे एफ टू इज़ इक्वल टू डी एम इंटू एम अपॉन थ्री डी का स्क्वायर होल स्क्वायर इसमें पूरा ब्रैकेट डालना है याद रखिएगा सो एफ टू इज इक्वल टू सेम प्रोसेस आपको करना है यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेना है नेक्स्ट में जी एम इंटू एम अपॉन थ्री थ्री से नाइन डी स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर ही रहेगा जो नाइन डी स्क्वायर इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं देखिए थ्री इंटू थ्री इंटू डी इंटू डी ब्रैकेट टू खोलने पे ये आएगा और फिर थ्री थ्री से नाइन डी इंटू डी डी स्क्वायर सो नाइन डी स्क्वायर ठीक है नाइन डी स्क्वायर अब हम लिखते हैं यहाँ पे एफ टू इज इक्वल टू नाइन को हम बाहर ले लेंगे तो क्या आएगा वन अपॉन नाइन ब्रैकेट में जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर अब यहाँ पे देखिए किसकी वैल्यू है जी एम इन टू एम डी स्क्वायर फोर्स की यानी एफ की सो एफ टू इज इक्वल टू वन अपॉन नाइन मल्टीप्लाइड बाई इसको हम लिख सकते हैं एफ़ यानी फोर्स देयर फोर एफ टू इज इक्वल टू एफ अपॉन नाइन सो ये हमारे ये हमारा इसका थ्री डी वाले का आंसर सो so, यहाँ पे जो एफ़ वन होगा वो होगा ओरिजिनल फोर्स का वन अपॉन फोर टाइम्स और एफ़ टू होगा वो होगा ओरिजिनल फोर्स का वन अपॉन नाइन टाइम्स यानी जो हमारी फोर्स है वो घट रही है पहले वाले में क्या था बढ़ रही थी बढ़ रही थी हमारी फोर्स दोगुना यहाँ पे घट रही है सो तो आइए अब हम अपने थर्ड पार्ट पे आते हैं सो तो थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है हमें दिया है अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास को डबल कर देंगे तो फिर क्या डिफरेंस आएगा तो हम निकालते हैं यहाँ पर हम इसके इसके फोर्स को ले लेते ले ले हैं हम एफ थ्री सो एफ़ थ्री इज़ इक्वल टू जी यहाँ पर आ जाएगा टू एम इन टू फिर से टू और स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर यानी एफ थ्री इज इक्वल टू जी टू इंटू टू फोर आ जाएगा यानी फोर जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर एक बार फिर से समझ लीजिए मैंने इसको कैसे किया है यहाँ पे मैंने जो टू इंटू टू है इसको मल्टीप्लाई कर दिया यानी जी टू इंटू टू और टू इंटू टू इंटू एम इंटू एम कर दिया यानी जी फोर इंटू एम इंटू एम और जहाँ पे मैंने जो फोर है उसको बाहर ले लिया और जी को स्ट्रेट कर लिया जो फोर जी इंटू एम इंटू एम ठीक है तो ऐसी स्ट्रेस हमारा आ गया फोर जी एम इंटू एम आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पार्ट तो अब यहाँ पे ये इसमें आप ब्रैकेट डाल दीजिए और ये किसकी वैल्यू है ये है एफ़ की सो एफ़ थ्री इज इक्वल टू फोर टाइम्स एफ़ ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर यानी जो हमारी एफ थर्ड पार्ट में फोर्स आएगी वो ओरिजिनल फोर्स के फोर टाइम्स होगी अब हम लिखते हैं इसकी आंसर स्टेटमेंट सो ये है हमारी आंसर स्टेटमेंट पार्ट वन की न्यू फोर्स इज टू टाइम्स द ओरिजिनल फोर्स सेकेंड पार्ट की न्यू फोर्स आर वन अपॉन फोर एंड वन अपॉन नाइन ऑफ द ऑरिजिनल फोर्स और थर्ड की न्यू फोर्स इज़ फोर टाइम्स द ऑरिजिनल फोर्स सो हमारे तीनों आंसर्स आ गए हैं आई होप यू लाइक माई वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग